ए की मात्रा ला थे
रमे नामे आकी मात्रा नामे नाम छे शब्द बनाइए। यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं, हमें इनमें ए की मात्रा वाला शब्द बनाना है और ए की मात्रा। तो सबसे पहले यहाँ पे बा और र है, तो ये हो गया बा। अब हम इसमें ए की मात्रा लगाएंगे तो ये कौन सा शब्द बन जाएगा, बेर। और यहाँ पे बा में ए की मात्रा और र, तो ये बन गया बेर। बा में ए की मात्रा बेर, बेर। और बा में ए की मात्रा बैर, बैर। तो दोनों में अंतर हो गया, बेर मीन्स फ्रूट्स, वो जो खाते हैं बेर, और बैर किसी से बैर रखना मीन्स लड़ाई झगड़ा। तो ये दोनों में अंतर हो गया, बेर और बैर। नेक्स्ट है मा ल मल। अब हम मल में माँ में एक ही मात्रा लगाएंगे तो ये हो गया मेल, और माँ में एक ही मात्रा लगाएंगे तो ये हो गया मैल, मेल मैल। ये एक ही मात्रा और ये एक ही मात्रा। अब सा रो सर, सा में एक ही मात्रा लगाएंगे तो ये हो गया सेर, और सा में एक ही मात्रा लगाएंगे तो ये हो गया सैर, सैर सैर मतलब घूमना, सैर और सैर सैर करना। अब ये लिखा है बा लो बल, बल में हम बा में एक ही मात्रा लगाएंगे तो ये हो गया बे और लो बेल, और बा में एक ही मात्रा लगाएंगे तो ये हो गया बे और ये लो बेल, तो बेल और बेल, बेर बेर, मेल मेल, सेर सेर, बेर बेर। नेक्स्ट है वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। यहाँ पे ये वर्ण अलग अलग लिखे हैं, हमें इन्हें जोड़कर एक नया शब्द बनाना है। तो सबसे पहले बा हलन, तो लिखेंगे बा धन, बा में एक ही मात्रा, तो ये लगा दिया हमने एक ही मात्रा धन र, रा क्या है व्यंजन है और आ स्वर है, तो ये हो गया रा। तो बा में एक ही मात्रा बे और र, ये हो गया बे। सेकेंड है स धन, सा में किसकी मात्रा है ए की मात्रा, तो ये हो गया से धन र, र क्या है व्यंजन है हलन, हल आ स्वर है, तो ये हो गया रा से रु से। थर्ड है सा, सा क्या है व्यंजन है और आ स्वर है, तो ये हो गया सा धन फा, फा में किसकी मात्रा लगी है एक मात्रा एक ही, तो ये हो गया एक ही मात्रा धन द, और आ क्या है स्वर है, तो ये हो गया द। सा में सा, फा में एक मात्रा फे द सफेद। फोर्थ है का, का में एक ही मात्रा धन ता, ता क्या है व्यंजन है हलन, धन आ स्वर है, तो ये हो गया ता। धन ल, ला में किसकी मात्रा लगी है बड़ी ई की मात्रा, तो ये हो गया बड़ी ई की मात्रा, ये हो गया का में ए की मात्रा के त, ला में बड़ी ई की मात्रा ली केतली। नेक्स्ट है बा, बा में ए की मात्रा, ये दो मात्रा है ए की मात्रा धन स, सा में आ की मात्रा ख, खा में बड़ी ई की मात्रा, ये हो गया बा में ए की मात्रा बे, सा में आ की मात्रा सा, खा में बड़ी ई की मात्रा खी बैसाखी। नेक्स्ट है शब्दों को तोड़कर लिखिए।
शेरवानी को हम तोड़ के कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सा तलन धन। सा में कितनी मात्रा है? एक ही मात्रा लगी है, तो ये एक ही मात्रा धन। र, र क्या है? व्यंजन है। हलन धन। आ क्या है? स्वर। तो ये हो गया र। अब व धन, व में आ की मात्रा, ये हो गया व में आ की मात्रा। अब न धन, न ना में किसकी मात्रा लगी है? बड़ी ई की मात्रा लगी है, तो ये बड़ी की मात्रा, ये हो गया शेरवानी। थर्ड है, सेकेंड है, पा में ए की मात्रा फैसला, में आपकी मात्रा ला फैसला। तो फैसला कैसे लिखेंगे तोड़कर? सबसे पहले लिखेंगे फा हलन धन ए की मात्रा, ये हो गई ए की मात्रा। धन स, सा क्या व्यंजन है? हलन, तो सा इसमें आ स्वर है। धन ल, ला में आ की मात्रा, ये हो गया फैसला। लास्ट है पा, पा में ए की मात्रा, ये हो गया पा में ए की मात्रा। पे द, दा क्या है? व्यंजन है। हलन धन आ स्वर है, तो ये हो गया द। पे द। अब ल, धन ल, ला क्या है? व्यंजन है और आ स्वर है, तो ल। पा में ए की मात्रा पे द लो, पैदल। तो ये हो गया शब्दों को जोड़कर और शब्दों को तोड़कर यहाँ पे हमने लिखा है। अब नेक्स्ट है ए और ए की मात्रा वाले शब्द छाटकर लिखना है। यहाँ पर मेरा थैला मैला, बैल खेत में चला, बेर के लेला बैठकर सेब खा, वैभव कीर्ति कमरे में मत रख, मेज पर रख पैदल चल। इसमें से हमें ए की मात्रा वाले और ए की मात्रा वाले शब्द छाट के लिखना है। तो सबसे पहले माँ में ए की मात्रा है, रामया की मात्रा रा, तो ये हो गया मेरा, तो ये ए की मात्रा है, तो ए की मात्रा वाले शब्द हम यहाँ लिखेंगे। माँ में ए की मात्रा मे, रामया की मात्रा रा, मेरा। सेकेंड है खा में ए की मात्रा है, तो ये यहाँ पे लिखेंगे था में ए की मात्रा, लाम्या की मात्रा ला थैला। सेकेंड है माँ में ए की मात्रा, लामे आ की मात्रा मैला, तो ये भी ए की मात्रा है, तो इसको भी हम ए की मात्रा वाले शब्द में लिखेंगे। तीसरा है बा में ए की मात्रा और ल बैल, इसे भी हम ए की मात्रा में लिखेंगे। खा में ए की मात्रा और त खेत, तो ये किसकी मात्रा लगी इसमें? ए की मात्रा, तो ए की मात्रा खा में ए की मात्रा खेत, तो खेत। में चरा चरा, बा में ए की मात्रा बे रु, तो ये ए की मात्रा है बेर। मेरा थैला मैला बैल के, अब का में ए की मात्रा के, ला में ए की मात्रा ले केले, तो ये भी ए की मात्रा है, इसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे ए की मात्रा में केले। ला, बा में ए की मात्रा बैठ कर बैठ कर, तो ये ए की मात्रा वाला शब्द है बैठ कर बैठकर। बैठकर सामे ए की मात्रा बु सेब, सेब ये ए की मात्रा, ये ए की मात्रा। खा, बा में ए की मात्रा भ बु,
में ए की मात्रा वैभव, क में ए की मात्रा त, ला में बड़ी की मात्रा ली, केतली, तो ये ए की मात्रा वाले लिखेंगे। का म ला में ए की मात्रा कमरे, में मत रख, मा में ए की मात्रा मेज, मेज, तो ये ए की मात्रा है मेज, पर रख, पा में ए की मात्रा और द पैदल, पैदल चल, तो ये ए की मात्रा वाले शब्द हैं और ये ए की मात्रा, मेरा खेत देर केरे सेब केतली कमरे मेज, ए की मात्रा थैला मैदान बैल बैठकर वैभव और पैदल। तो आज हमने यहाँ पे ए की मात्रा और ए की मात्रा वाले शब्द पढ़े, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ओ की मात्रा और ओ की मात्रा। तब तक के लिए थैंक।